चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए मैजिक बॉल पे देख लेते हैं। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ तारिक अहमद लारी है जो कि समाजवादी विचारक है, समाजवादी पार्टी के नेता है, असीम वकार है प्रवक्ता AIIMIM के, दुष्यंत नागर जी हैं, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। गौरव भाटिया, सियासी तापमान हाई है और सबके अपने अपने दावे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी कितने भी गेस्ट आर्टिस्ट उतार ले, कांग्रेस की जीत तय है, और प्रधानमंत्री तो मूर्खों के सरदार तक पहुंच गए। क्यों? देखिए अमीर जी, पूरा देश और बल्कि मैं कहूं कि पूरा विश्व जानता है कि मूर्खों का सरदार कोई है, पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता, तो वो राहुल गांधी है। और मैं आपको वजह बताता हूं, ऐसा ही नहीं कहता हूं, आप बताइए, मेड इन चाइना अगर लिखा है कहीं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो वो तो एक देश का नाम है, तो मेड इन भारत होगा, मेड इन इंडिया होगा जो देश का नाम है। ये मेड इन मध्य प्रदेश प्रदेश है। अब आप बताइए, 52 साल की उम्र में कोई सांसद जो रहा हो 15 साल, उसको ये फर्क नहीं पता कि देश के नाम और प्रदेश के नाम में क्या फर्क है। और ऐसी गलती ये रोजाना करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 10 साल ये सांसद जब रह चुके थे, तो इनसे एक पत्रकार ने पूछा, आप ही जैसा निर्भीक रहा होगा, तो इन्होंने उत्तर में कहा 546 सीटें हैं लोकसभा में। एक पत्रकार ने विदेशी भूमि पर बोला कि भाई गरीबी बहुत है, तो इन्होंने कहा गरीबी एक मानसिकता है, आंखें बंद करो और गरीबी दूर हो जाती है, मानसिकता दूर हो जाती है जी। इनसे किसी ने कहा आप तो वंशवाद की उपज है, तो राहुल गांधी का उत्तर सुन के आप हंसिएगा मत, बस समीर जी हंसेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है तो भारतीय नेता ही। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वंशवाद तो यहां पे एक परंपरा है, परंपरा मतलब आप जैसा निष्ठावान ईमानदार पत्रकार, इसलिए पत्रकार अच्छा है क्योंकि वो परंपरा का एक प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति चीन से घूस ले, जो व्यक्ति चीन से करार करके उसको सार्वजनिक ना करे, जो मेड इन चाइना तो करे लेकिन चाइना की निंदा ना कर पाए, वो व्यक्ति मूर्खों का सरदार भी है और धूर्तों का भी सरदार है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता निल है। और मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में हैं, तो आप देखिए कैसे एक सैलाब सा है वहां पे, जनता की भीड़ देखिए आप, सब लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। और ऐसे तो राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी का तूफान आएगा और करीब 150 सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, ये राहुल गांधी ने बोला है। मैं आता हूं एक एक करके परंपरा से जुड़ा, आपके मामा देश के बड़े पत्रकार हैं, आप पत्रकार बन गए, बुरा क्या है भाई? मेरे पिताजी का अगर मैं कोई प्रोफेशन अपना लेता हूं तो उसमें बुरा ही क्या है? बड़े दुख की बात है किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है। और भैया एक बात बताइए, नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेशरा करोड़ों रुपया बैंकों का चोरी करके भाग गए, उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? हम पूछने लगे जी उनका सरदार कौन है? ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आप एक नेता को नीचा दिखाने का हर दिन प्रयास करते हो, पहले ट्रोल आर्मी करती थी, फिर बहुत सारे एंकरों ने वो जुम्मा उठाया, और आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके उठाए हुए सवालों के जवाब प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के पास नहीं है, इसलिए इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिसने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ के नेता प्रतिपक्ष के लिए, देश के सबसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता किस भाषा पे ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया, किस भाषा आप जानते हैं राहुल जी की क्वालिफिकेशन? जानते मैं उत्तर दे दूं, उनकी शिक्षा की डिग्री जानते हैं, कितनी डिग्रियां हैं उनके पास? नहीं, आपको किस भाषा में बताती है? अरे अपना दिग्विजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल पीएम की डिग्री मांगते हैं, दिखाते नहीं है। राहुल गांधी की सारी डिग्रियां पब्लिक डोमेन में है। नहीं तो आपको पीएम की कौन सी भाषा, क्या बात है, क्या भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है? किस भाषा, जो भाषा आप बोल रहे थे आपने अभी भाषा वो बोली। एक लीडर के लिए, चुने हुए लीडर के लिए, जो 3 बार के सांसद है, जो ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई कास्ट सेंसिस करो,
गरीबी को मिटाने के लिए, पिछड़े दलितों को आरक्षण देने की जरूरत है, और जिन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल बनाया, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आपने बोला राहुल गांधी जी ने, लेकिन आपको इस पे आपत्ति है? आप मोबाइल के फोन के पीछे देखो, मोबाइल फोन के पीछे कौन सा बताइए, चाइना होता है, आप बताइए। राहुल प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे हम तो आदर करते हैं, आधी बातें बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि आईफोन इंडिया में बन रहा है, क्या आईफोन इंडिया में बन रहा है? कीमत में कोई कमी हुई? बताइए कौन सा फोन इंडिया में बन रहा है? ठीक है, जवाब असेंबलिंग होती है। गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए ऐसे नहीं है कि आप हमारे लीडर के ऊपर अगर कुछ भी देखिए ओछी भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रही। एक 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 फैक्चुअली बात को मैं करेक्ट कर दूं, पहले असेंबलिंग चाइना में होती थी, अब भारत के अंदर होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी में बहुत बड़ी बात है। पहले वही असेंबलिंग चाइना में होती थी, वही असेंबलिंग अब भारत में होती है, भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? पूरी मोबाइल इंडस्ट्री से कितना रोजगार मिल रहा है, थोड़ा बता दीजिए। अरे हिंदुस्तान से कितना उद्योग चला गया? गौरव भाटी उसको देखिए ना, कितने करोड़पति भारत को छोड़ के चले गए, हम पांचवी बड़ी करोड़पति भारत को छोड़ के चले गए, बैंकों में कितना पैसा डूब गया, भारत में कितना कर्जा बढ़ गया, इसकी तो कोई बात नहीं करेगा। नागर साहब, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया योर टेक, योर रिप्लाई। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आपकी चर्चा का विषय यह है कि ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए। मैंने सही सुना है अमी जी, यही है ना आपका शीर्षक आज का? जी जी, प्रधानमंत्री पहले अखिलेश यादव का तंबू उखड़ेगा, किसका तंबू उखड़ेगा? हाँ, तंबू भी उखड़ चुका है और बम्बू भी उखड़ चुका है, पूरा बाहर आ गया है इनका ओछापन। और मैं बताता हूं क्यों। आज का विषय क्या है? ओबीसी कास्ट सेंसस। अखिलेश यादव ने क्या बोला बताइए? अखिलेश यादव ने कहा, ये बताओ 55 साल सत्ता में रहे तो क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? इसका कोई उत्तर है राहुल गांधी के पास? कोई उत्तर नहीं है। दूसरी बात, आप ये बताओ कि क्यों राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया? इसका जी, कोई जी। उत्तर है? नहीं है। तीसरा, नारा दिया ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पर, ये इंदिरा गांधी ने भी कहा, राजीव गांधी ने भी कहा, आज ये लोग जात पात की बात कर रहे हैं। चौथी बात, आप मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में हमने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से दिए, आपने कमलनाथ का चेहरा आगे कर रखा है, ओबीसी समाज का व्यक्ति क्यों नहीं आ जाता आगे, बताइए मुझे। पांचवी बड़ी बात, हमने 28 मंत्री ओबीसी समाज से दिए हैं जी, हमने सुनिश्चित किया ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिले। और सबसे बड़ी बात है, अगर सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं ओबीसी समाज का। देखिए जी, मैं सबसे पहले जवाब ये देना चाहता हूँ, जातिगत पहले अखिलेश जी आपको आईना दिखा रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। धन्यवाद, घर की बात है, दिखा रहे दिखाने दीजिए। मैं सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मंडल की सिफारिशों का कांग्रेस ने विरोध किया, राजीव जी के लिए भी कहते हैं। अरे भाई, उन्होंने ये कहा था कि जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर करिए, क्या गलत कहा उन्होंने? और वही जो राजीव जी ने कहा, वही 1992 में कानून लागू हुआ, 8 लाख से ऊपर की इनकम के लोगों को बाहर रखा गया, तो उसमें गलत क्या है?